अच्छे से खड़े में खड़े में खड़ा खड़ा उसे अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह सुबहानहू ताला ने मुझे दिया है और दो घंटे मुसलसल बारिश होती रही, उसमें नौजवान बच्चे और वालिदैन के साथ में और बड़ी तादाद में बुरख़ों में औरतें आई हैं और उनका दो घंटे बारिश में भीगते हुए बैठना, बल्कि मुझे मोटिवेशन वो लोग से मिला है। देना तो मुझे था मोटिवेशन, लेकिन उनकी जोश में देखकर मुझे मोटिवेशन मिला है। और ये नौजवानों में हमेशा कहता हूँ गज़ब का जोश होता है, लेकिन अफसोस वो जो एनर्जी होती है वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाऊं और उन्हें बताऊं कि उनमें क्या पोटेंशियल है और वो जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो बुलंदियों पर जा सकते हैं। नौजवानों की बात करें तो लोग जो नौजवान आपको करोड़ों की संख्या में सुनते हैं, तो कैसा लगा आपको गोवंडी में आके भीगते हुए जो नौजवानों ने आज आपको सुना है? मैं वही तो कर रहा था, बता रहा था आपसे कि दो घंटे मुसलसल बारिश में बैठना ये आसान नहीं होता है। और लोग कहते हैं कि आप बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये अल्लाह का करम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नौजवान और वालिदैन प्यासे भी हैं, वो तलाश में हैं कि अच्छे लोग उनके पास आए, अच्छी बातें बताएं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़कर वो लोगों के दिलों तक पहुँचना है, उन्हें सही डायरेक्शन दिखाना है। वो बंदा कोशिश कर रहा है। सर एक चीज़ खाली ये पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन के ताल्लुक से कहीं ना कहीं मुसलमान की बात की जाए तो पीछे लेवल पर रहते हैं, एजुकेशन में थोड़ा पिछलाव रहते हैं। माँ बाप को आपने एक पैगाम यहाँ से दिया कि एक रोटी खाइए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? दरअसल मुसलमान लोग एजुकेशन को समझ ही नहीं पाए जी। एजुकेशन को वो अगर समझते तो मुसलमानों का मर्तबा बुलंदियों पर होता। ये शादियों में खूब पैसा खर्चते हैं और पिकनिकों पे खूब पैसा खर्चते हैं, होटलों में खूब पैसा खर्चते हैं, लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है तो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये पैसा खूब खर्चना चाहिए एजुकेशन पर, स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स का ज़माना है, तो इस पर पेरेंट्स आगे बढ़ें, बच्चों को अच्छा पढ़ाएँ और निगरानी में पढ़ाएँ। सारी ज़िम्मेदारी स्कूल्स के टीचर्स पर ना थोपें, वो भी नज़र रखें। जैसे मैंने दौरान स्पीच में बताया था कि मेरी दादी मेरे साथ तीन तीन घंटे बैठ कर निगरानी करती थी, वैसे अगर पेरेंट्स करने लगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल यहाँ पर यह है कि मुनव्वर जमा साहब की तरक्की का राज क्या है कि आज करोड़ों फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में हैं? जी, एक तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम मुझ पर है और मैं समझता हूँ कि मैंने वालिद साहब की खिदमत की है, और बिलखसूस मुनव्वर जमा की कामयाबी का राज अगर आप पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए हिंदुस्तान के पाए दर्जे के उलमा हज़रत दुआ करते हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब,